चांदी पट्टी के पास मोटरसाइकिल लूटकांड का सफल उद्भेदन, बाइकर्स गैंग का भंडाफोड़। एसपी रोशन कुमार ने सोमवार के करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर 2024 की रात करीब 1:30 बजे काराकाट थाना क्षेत्र की अमौना से डेहरी ऑन सोन जाने के दौरान चांदीपट्टी के पास अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिया। इस मामले में काराकाट थाना में कांड दर्ज किया गया। त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 7 आरोपियों को दाऊदनगर मोड़ से गिरफ्तार किया। इनकी पहचान विक्की यादव, सिया रामजी प्रिय, रोहित कुमार, नीतीश कुमार, दीपक कुमार, चंद्रशेखर कुमार और रोहित कुमार के रूप में हुई। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल, अन्य 4 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया। ये दिनांक 11 अक्टूबर को रात में 1:30 बजे काराकाट थाना अंतर्गत एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनको एक ग्रुप के द्वारा रोक कर उनका मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिया गया। इस संबंध में काराकाट कांड संख्या 525/24 दर्ज करके आगे का अनुसंधान किया गया। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज और DIU टीम की टीम और जो काराकाट थाना प्रभारी इसका अनुसंधान कर रहे थे। इसी क्रम में नासरीगंज थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइकर्स गैंग टाइप का एक्टिव है, जिसमें नवोदित लड़के हैं जो अभी अभी इस तरह की घटनाएं तो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का मोटरसाइकिल छीन लिया और फिर उस मोटरसाइकिल की चोरी या लूट मोटरसाइकिल खरीद फरोख्त करते हैं। इसी के अनुसंधान के क्रम में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक चोरी का, एक लूट का और बाकी घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, टोटल 5 मोटरसाइकिल और लूटा हुआ मोबाइल वगैरह सारा बरामद किया गया। इसी पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि ये सब एक गांव के ही और अगल बगल गांव के रहने वाले हैं और आपस में सभी दोस्त हैं। लोग दुर्गा पूजा के दौरान भी ग्रुप में मेला वेला घूमने निकले थे और इसी बीच में कोई किसी को अकेला आकर किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का मोटरसाइकिल छीन लिया। कई बार होता है कि कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती तो कुछ लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं थाना में, तो इसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ता जा रहा था और इनको लगा कि वैसी घटनाएं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में इनकी पूरे जो गैंग थी इसकी गिरफ्तारी की गई, जिससे इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कि अकेले देखे किसी के साथ लूटपाट कर लिया या मारपीट, मोटरसाइकिल छीना, मोबाइल छीना, इस तरह की घटनाओं पर काफ़ी हद तक रोक लगी। इसमें पूरी टीम द्वारा काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया, जिसमें नासरीगंज थाना अध्यक्ष अमित कुमार, वनी दयाशंकर साहब, काराकट थाना और नासरीगंज थाना के पदाधिकारी शामिल थे और DIU की टीम शामिल थी जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज के नेतृत्व में काम कर रही थी। इनके द्वारा बढ़िया काम किया गया और पूरी टीम को प्रस्तुत किया गया। सर, बाहरी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं क्या, इनका कोई तार जुड़ा हुआ है? बाहरी कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, सब अभी मतलब जो नए लड़के हैं जिनको नया नया शौक चढ़ता है मोटरसाइकिल से घूमने का और ये करने का, नहीं ये सब ही बाहरी इनमें से कुछ का अपराधी कुछ विधि विरुद्ध भी बताए जा रहे हैं, उसका सत्यापन किया जा रहा है अभी, क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हो उसके हिसाब से भली है। अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग फर्दर तो मानेंगे। नए उम्र के सर सभी लड़के हैं ऐसे आम लोगों से क्या अपील है? देखिए, आम लोगों से अपील है कि इसमें जो गार्जियन है, जो अभिभावक, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपका बच्चा अगर मोटरसाइकिल से घूम रहा है, अगर आप वो किसके साथ घूम रहा है, उन पर थोड़ा नज़र रखें और किसी तरह की संदिग्ध अगर उनके द्वारा गतिविधि या उनके दोस्तों की गतिविधि की सूचना मिलती है तो थाना को सूचित करें, उनको बुलाकर थाना के स्तर से भी काउंसलिंग किया जाएगा, तो थोड़ा उनके मन में एक डिटरेंट या कह सकते हैं भय पैदा रहे कि हाँ उनकी गतिविधि पर पुलिस नज़र रख रही है या फिर गाँव के लोग नज़र रख रहे हैं। इससे होगा क्या कि कई घटनाएँ जो होने से पहले ही रुक जाएंगी और कई जिंदगियाँ बर्बाद होने से बच जाती हैं। धन्यवाद।